सो इफ द पर्सन सफरिंग विद द डिजीनेस व्हाट वी कैन डू. जब किसी को डिजीनेस होती है इसका मतलब क्या है, डिजीनेस का मतलब चकराना, चकराना. देखो एक तो होती है गिडीनेस, गिडीनेस का मतलब होता है चक्कर कि आप गिडीनेस, गिडीनेस का मतलब. और डिजीनेस, डिजीनेस का मतलब होता है कि अंदर ही अंदर ऐसे कुछ घूम रहा है, आप आंख बंद कर रहे हो और आपका सिर चकरा रहा है, ओ डिजी हो गया, डिजी हो गया. सो द मीनिंग ऑफ डिजीनेस चकराना. तो चक्कर आना और चकराना में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन आप दोनों को एक भी समझ सकते हो. तो हम अभी डिजीनेस का इलाज करेंगे और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है डिजीनेस, इसका क्या इलाज होगा वो हम समझेंगे. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द डिजीनेस, जब भी किसी को चक्कर आते हैं, जब किसी का सिर चकराता है, चाहे वो पैरालिसिस के कारण हो चाहे वो बिना किसी पैरालिसिस के कारण हो, तो हम इन चक्कर आने का क्या ट्रीटमेंट करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दैट. सो व्हाट इज द कॉज ऑफ डिजीनेस, इस डिजीनेस का कारण क्या होता है, एंड व्हाट इज द एग्जैक्टली हैपन इन द डिजीनेस, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिजीनेस, आखिर डिजीनेस में होता क्या है, ऐसा होता क्या है. So after the stroke, after the paralysis, what is happening? This is the very common thing, that is dizziness. So why the dizziness is happening? The cause of the dizziness is liver bind. Liver bind creates dizziness. Liver ki वायु डिजीनेस पैदा करती है, इसको समझने की कोशिश करिए. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज द फाइव एलिमेंट्स, किडनी इज द मदर, लिवर इज द सन. एक तरफ तो किडनी का यिन कम हो गया, सो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द किडनी यिन, बिकॉज किडनी इज द मदर. सो स्लोली स्लोली देयर इज ए deficiency of liver yin. Yin का मतलब होता है कि मानो कि कोई व्यक्ति ठीक से सोता नहीं है, आराम नहीं करता, और या एक महिला आके बोलती है कि मुझे नींद नहीं आती. अब नींद नहीं आएगी तो yin तो कम होगा ही होगा, हालांकि कई बार yin और yang दोनों भी कम हो जाते हैं. So if the person is not able to sleep, if the person is not sleeping because of too much work, there is a deficiency of the kidney and liver yin. To aise vyakti ke andar kidney yin aur liver yin ki deficiency ho jati hai. The person might suffer with the kidney yin and the liver yin deficiency, or we can tell especially the story starts from the kidney yin. Pehle kahani kahan se start hoti hai? Kahani starts sirf kidney se hoti hai. When the person is doing overwork, then the suffering with the kidney yin deficiency. So the first step will be kidney yin deficiency. It will create liver yin deficiency. So this is the liver. Now liver yin is deficient. Pehle pura glass bhara hua tha. Ab aadha glass khali ho gaya. Aadha glass khali. पहले पूरे ग्लास में पानी भरा था, अब आधा ग्लास खाली हो गया, तो जो स्थान खाली हो गया उसमें हवा आ गई. इसी को हम बोलते हैं कि जब पहले लिवर का यिन बराबर भरा था तो सब कुछ ठीक था, अब लिवर यिन कम हो गया, आधा हो गया, तो बाकी स्थान में लिवर बिंड आ गई. सो दिस इज द नॉर्मल थिंग, इफ लिवर यिन इज डेफिशिएंट, सो डेफिनेटली देयर विल बी लिवर बिंड. सो आई हैव सीन one person not able to sleep, एक व्यक्ति जो ठीक से सो नहीं पाता और इसके कारण से किडनी यिन डेफिशिएंट हो जाता है और उसके कारण लिवर बिंड बढ़ जाती है. सो द पर्सन इज नॉट एबल टू स्लीप, किडनी यिन गेट डेफिशिएंट एंड लिवर बिंड बिकम हाई. नाउ when the person is doing overwork, doing over anxiety, doing over stress, or the person is very workaholic, person is a leader
अगर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा काम करता है, ओवर थिंकिंग करता है, ओवर एंजाइटी करता है, वर्कहोलिक के लीडर है, इन सभी कारणों से भी उसका किडनी इनडेफिशिएंट हो जाता है। जैसे कि आप दिया जलाते हो तो तेल खत्म हो जाता है, ऐसे व्यक्ति ज्यादा काम करते हैं तो उनके अंदर का यिन कम हो जाता है, उसकी उनकी भरपाई भी करना चाहिए, उतना खाना भी खाना चाहिए, उतना आराम भी करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग ज्यादा काम करते हैं, भरपाई नहीं कर पाते, आराम नहीं कर पाते, सो दिस टाइप्स ऑफ पर्सन नॉट एबल टू फुलफिल अगेन किडनी यिन, इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग लिवर बिंड। Then they will tell you, oh my, I am feeling some dizziness. So they will also suffer with the liver bind. And if we talk about the paralysis, in the paralysis also, why the paralysis is happening? Even some person is doing lots of anger. Anger also is liver bind. Anger means liver bind. जब एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है तब भी उसकी लिवर बिंड बढ़ जाती है और उसे चक्कर आ सकते हैं, डिजीनेस आ सकती है, द पर्सन विल सफर विद द डिजीनेस। तो हमने देखा कि एक व्यक्ति, एक पर्सन ने हमें आके कहा कि उसे आज बड़ी गहरी नींद आई, फिर अगले दिन कहा आज नींद नहीं है, फिर अगले दिन का आज बड़ी गहरी नींद आई, फिर से नींद नहीं। हमने कहा चलो बताओ तो आज सोने के दो घंटे पहले क्या क्या किया। सो ही टोल्ड मी टुडे आई स्लेप्ट वेरी नाइसली बिकॉज बिफोर गोइंग टू स्लीप आई टुक सम कैस्टर ऑयल रिकमेंडेड बाय मी एंड रब ऑन द फीट एंड डिड द 5 मिनट मसाज अंडर द फीट एंड स्लेप्ट वेरी नाइसली। रात को सोने के पहले उसने पैरों के तलवे में एरंड के तेल की मालिश की, क्योंकि मैंने उसे कहा था करने के लिए, और उसे बड़ी प्यारी और अच्छी गहरी नींद आई। मैंने ये भी बोला था थोड़ा एरंड का तेल लेना और उसे 3 गुना ज्यादा कोकोनट ऑयल लेना और सिर पर भी मालिश करना रात को सोते समय, तो गहरी नींद आएगी। सो आई टोल्ड देम हिम डू दिस मसाज द हेड बिफोर स्लीप एंड मसाज द फीट सो ही विल स्लीप वेरी नाइसली एंड स्लेप्ट वेरी नाइसली। But suddenly next day he told, today I didn't sleep. मैंने कहा बताओ दो घंटे क्या क्या किया। उसने कहा कि मैंने बच्चों पे और बीवी पे गुस्सा किया, anger, तो गुस्सा किया, चिल्लाया, shout किया। So he become angry and because of the anger, liver bind rises. Then he tried 2 hours, then he got sleep. पलंग पर लेटा रहा, 2 घंटे करवटें बदलता रहा, तब जाके नींद लगी। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ गुस्सा करने से नींद उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है? गुस्सा करने से नींद उड़ जाती है, हर किसी की नींद नहीं उड़ेगी, उसकी उड़ेगी जिसने पहले से ही अपने दिए का तेल खत्म कर दिया है। दिए का तेल मतलब यिन। यू ऑलरेडी हैव कंज्यूम द यिन ऑफ योर बॉडी, नाउ लिटिल एंगर will make your liver bind high. So in that way, when you want to work on the dizziness, I have seen many female patients, and they also having anger plus, they suffer with the dizziness. Means I am telling about the little middle age female, or we can tell near about the 45 plus, even it might come little early. अगर कोई महिला, क्योंकि महिलाओं में वैसे भी हर महीने मासिक श्राप के कारण ब्लड की कमी हो जाती है, लिवर ब्लड कम हो जाता है, तो वैसे ही उनमें लिवर ब्लड की कमी रहती है, थोड़ी सी लिवर ब्लड डेफिशिएंट रहता है, और ऊपर से गुस्सा कर दिया तो लिवर बिंड बढ़ गया, और लिवर बिंड आराम से बढ़ गया क्योंकि बर्तन तो पहले से खाली था, तो लिवर बिंड बढ़ गया, तो डिजीनेस आ गई। सो डिजीनेस इज ड्यू टू द लिवर बिंड। सो इफ एनी फीमेल ऑलरेडी, बिकॉज फीमेल्स आर ऑलरेडी लूजिंग द blood every month
and they are having tendency of the liver blood efficiency. Now, if they become angry, then there is a liver wound rising and they will suffer with the dizziness. और उनको डिजीनेस आएगी. दवाइयां कर करके हैरान हो जाएंगे, डिजीनेस कभी ठीक नहीं होती है. डिजीनेस कैन नेवर बी रेक्टिफाइड कितनी भी दवाइयां खिला दो. लिवर बिंड, बस दवाइयां बीपी के खिला दो, उसका एक ही इलाज है कि आप लिवर बिंड को निकालो. इट्स वेरी सिंपल हाउ इट इज कनेक्टेड विद द लिवर बिंड. लुक एट हियर. सो लिवर ब्लड, if liver blood is good, if liver blood is good, because liver is the storehouse of blood, liver is the storehouse of blood, the blood is stored in the liver as per the acupuncture, and during need and as per need, liver is giving blood to uterus, to brain, and to each and every body part. So liver ko to hum blood ka storehouse kehte hain, aur raat ko sote samay ज्यादातर ब्लड हमारे लिवर में चला जाता है रेस्ट करने के लिए, शुद्ध होने के लिए, और फिर जहां पर जितनी जरूरत होती है वहां उतना पहुंचता है. हर महीने गर्भाशय में पहुंचता है, ब्लीडिंग के लिए गर्भाशय में पहुंचता है, ब्रेन में पहुंचता है, बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचता है. तो लिवर में, लिवर इज द स्टोर हाउस ऑफ ब्लड. तो अगर लिवर में ब्लड की कमी होती है, सो इफ लिवर इज हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, so in the free space automatically liver bind will come, automatically liver bind will come. So many time the female is having low hemoglobin. Many times when female having low hemoglobin, and low liver blood, and slowly they are also having liver bind, then they will suffer with the dizziness, even numbness on the face. तो उनके चेहरे पर भी धीरे धीरे करके नमनेस आने लगती है, क्योंकि लिवर बिंड नमनेस भी पैदा कर सकता है, चक्कर भी पैदा कर सकता है. ना हाउ टू ट्रीट, हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, हाउ टू ट्रीट. सो हाउ टू ट्रीट डिजीनेस. स्टेप नंबर वन, रिड्यूस लिवर बिंड. स्टेप नंबर वन होगा कि लिवर बिंड को कम करिए. एंड हाउ टू रिड्यूस द लिवर बिंड, सो वी कैन रिड्यूस द लिवर बिंड विद द लिवर 3 एंड यूरिनरी ब्लैडर 18 सेडेशन. लिवर 3 इज द वेरी गुड पॉइंट टू रिड्यूस द लिवर बिंड. लुक एट दिस फाइव एलिमेंट साइकिल ऑफ द लिवर. लिवर इज द बुड, लिवर 1, लिवर 2, liver 3, liver 5, and liver 8. Liver 1 is the wood, liver 2 is the fire, liver 3 is the earth, liver 4. Liver 4 will be the metal, and liver 8 will be the water. हमारी पांच एलिमेंट की साइकिल के अनुसार ये सब होते हैं, हम जानते हैं. अब लिवर खुद तो बुड है, लिवर 1 भी बुड है, ये तो सेल्फ हो गया,
Okay. Now we want to reduce the liver bud. We want to reduce the liver bin. Now we'll go to the grandson and we'll sedate the grandson. We'll sedate the grandson. This is called, if we sedate the grandson, then we can handle the acute and emergency condition as well. ये हम पहले ही समझ चुके हैं कि सन को सेडेट करने से एनर्जी कम हो जाती है, ग्रैंडसन को भी सेडेट करने से एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन ग्रैंडसन को सेडेट करने से एनर्जी बहुत तेजी से कम होती है. सो इफ यू आर सेडेटिंग द सन, इट इज सकिंग द एनर्जी एंड रिड्यूसिंग. इफ यू आर सेडेटिंग द ग्रैंडसन, इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग द एनर्जी. सो लिवर थ्री सेडेशन इज द वंडरफुल पॉइंट फॉर रिड्यूसिंग द बुड. यही कारण है कि लिवर थ्री को हम सेडेट करते हैं जब हमारे शरीर में बिंड बढ़ जाता है, लिवर बिंड, चाहे पार्किंसन हो, कंपन में भी हम लिवर थ्री को सेडेट करते हैं और लिवर का बिंड बढ़ने पर हम लिवर थ्री को सेडेट करते हैं और लिवर का बैक्सू पॉइंट भी सेडेट करते हैं, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर 18. नाउ पॉइंट नंबर टू. द पॉइंट नंबर टू इज कि हमें केवल लिवर की बिंड को सेडेट तो करना ही करना है, लेकिन लिवर ने जो बिंड बढ़ा दिए अंदर उसे भी सेडेट करना है. सो पॉइंट नंबर टू, रिड्यूस द इंटरनल बिंड. इंटरनल बिंड बिकॉज द कॉज ऑफ डिजीनेस इज बिंड, चक्कर आने का कारण बिंड है. तो इंटरनल बिंड को भी आप कर दो सेडेट. और हम इंटरनल बिंड को कैसे सेडेट करेंगे, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में. वी आर हैविंग वेरी वंडरफुल पॉइंट इन अवर बॉडी टू सेडेट द इंटरनल बिंड इन द फ्रंट एंड इन द बैक साइड. सो इफ वी टॉक अबाउट द इंटरनल बिंड, अगर हम अंदरूनी बिंड की बात करते हैं, हम अंदर की बिंड को कैसे सेडेट करें, तो अंदर की बिंड को सेडेट करने के लिए दीज आर द टू पॉइंट्स, गॉल बैडर 20. गॉल बैडर 20 इज कॉल्ड द पॉन्ड ऑफ बिंड, बिंड का तालाब. ये बिंड का तालाब, इसे सेडेट कर दो. गवर्निंग वेसल 16 को सेडेट कर दो. सेडेट द गवर्निंग वेसल 16. इट्स ए वेरी गुड पॉइंट टू रिड्यूस द इंटरनल बिंड. हमारे सहस्रार चक्र पर जो डीयू 20 होता है उसे सेडेट कर दो. सेडेट द गवर्निंग वेसल 20. इट्स अ वेरी गुड पॉइंट टू फॉर रिड्यूसिंग द इंटरनल बिंड. और इन द फ्रंट साइड, ये एंटीरियर लाइन पर हमारा गवर्निंग वेसल 24 होता है. सेडेट द गवर्निंग वेसल 24. इट्स ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट टू रिड्यूस द इंटरनल बिंड. विद द हेल्प ऑफ दीज फोर पॉइंट यू कैन सेडेट द इंटरनल बिंड. इन चार बिंदुओं की मदद से आप इंटरनल बिंड को कम कर सकते हो. अगर आप गौर से देखोगे तो पॉइंट हमारे पीछे हेयर लाइन में है और कुछ पॉइंट हमारे आगे की हेयर लाइन में है, बस एक पॉइंट हमारा डी 20 बीच में है. सो दीज आर द वंडरफुल पॉइंट टू रिड्यूस द बिंड. सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन रिड्यूस द लिवर बिंड एज वेल एज इंटरनल बिंड. हमने सारी बिंड कम कर दी, क्योंकि चक्कर आने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है हमारा बिंड. अब अगला स्टेप और द फाइनल स्टेप है कि अब हमें किडनी को नरिशमेंट देना है. वी हैव टू इंप्रूव द किडनी. स्टेप नंबर थ्री, इंप्रूव द किडनी, क्योंकि किडनी सही गड़बड़ चालू हुई थी. नरिश द किडनी, इंप्रूव यिन इन द किडनी. सो फॉर दैट वी कैन यूज किडनी 3, किडनी 6, CB4, LU7. We can use this point. Kidney 3, kidney 6, CB4, LU7, even the urinary bladder 23, 25, all. हम yin को improve करने के लिए बहुत सारे points use करते हैं. There are many points to improve the yin. हम बार बार आपको बताते हैं कि there are four very famous points to improve the yin. Even we can start our story from them. हम वहां से start कर सकते हैं. There are many very famous four points to improve the yin. Tonify kidney 6, tonify CB4, tonify
lung 7 and sedate heart 6. These are the very good point to improve the kidney yin. और इसी में हम कुछ पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि किडनी 3, जैसे कि यूरिनरी बैडर 23. वी कैन ऑल्सो यूज दिस पॉइंट, वी कैन ऑल्सो एड दिस पॉइंट. एंड सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट. ये हमारे पूरे ट्रीटमेंट का कंप्लीशन हो गया. सो वॉट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीनेस? So what is the treatment of dizziness? Let's see now. Dizziness. We do the treatment in three parts. Part one. Part two. Part three. Part one means expel liver bind. Part two, expel internal bind. Part three, nourish kidney. तो डिजीनेस का इलाज हम तीन तरह से करते हैं. आप लिवर बिंड को निकाल दो, आप इंटरनल बिंड को निकाल दो और किडनी को नरिशमेंट दे दो. तो पहला पद है, पहला स्टेप है कि लिवर बिंड को निकाल दो. लिवर बिंड को निकालने के लिए सेडेट लिवर 3, सेडेट यूरिनरी ब्लडर 18. लिवर 3 हमने देखा ग्रैंडसन पॉइंट है और यूरिनरी ब्लडर 18 बैक्सू पॉइंट. पार्ट नंबर टू, एक्सपेल द इंटरनल बिंड. फॉर दैट गॉल ब्लडर 20, सेडेट गवर्निंग वेसल 16, 20, 24, सेडेट दिस पॉइंट. अगर हम इन बिंदुओं को सेडेट करते हैं तो इंटरनल बिंड निकल जाती है. So these points are very wonderful for internal bind. Now, nourish the kidney. अब kidney को nourishment देने के लिए हमारे चार मुख्य बिंदु हैं. Kidney 6, LU 7, CB 4, tonification and heart 6 sedation. इसके साथ में हम किडनी 3, यूरिनरी बैडर 23 और भी कई पॉइंट लगा सकते हैं, जैसे कि किडनी 1, किडनी 9 एक्सेट्रा. सो दिस इज द कंप्लीट ट्रीटमेंट फॉर डिजीनेस. ये हमारे डिजीनेस का यानी सिर चकराना का कंप्लीट ट्रीटमेंट है.